हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लॉजिया एंड एस के स्टडी पॉइंट मथुरा में। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 9th क्लास का सेकंड क्लास। देखिए, इस सेकंड क्लास में फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग ही रहेगा। फर्स्ट क्लास में हुआ था आपके सारे क्वेश्चंस को, मतलब जो कॉन्सेप्ट बताया गया था, इस क्लास में आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे उस कॉन्सेप्ट के बेस पर। तो आज की क्लास को मिस ना करिए और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और उन क्वेश्चनों को ले लेते हैं जो उनके ऊपर था। देखिए, फर्स्ट टाइप आपके सामने है कि फाइंड द फॉलोइंग रेशनल आर द टर्मिनेटिंग, यानी कि इनमें से कौन से रेशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है वो बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन है 13/80, यानी 13/80 टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, ये देखना है। यानी कि 80 का डिवाइड आपको 13 में देना है। क्लियर? जब आपको यहाँ पर लिया पॉइंट तो यहाँ पर आप ज़ीरो बढ़ा सकते हैं और ज़ीरो जैसे ही आप बढ़ाएंगे यहाँ पर आपको मिलेगा 1×80। जब आपको 1×80 मिलेगा तो आप यहाँ पर करके आ सकते हैं कि 50 आपका, आप यहाँ से शेष रिमाइंडर ले सकते हैं। 50 में आपका यहाँ पर जाएगा नहीं तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1× हो गया, आपका यहाँ पर 50 में जाएगा नहीं तो ज़ीरो बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5×। तो 8× जब जाएगा तो 400 आपका बचेगा, सॉरी 6× लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 6× लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा 400 इतना, ठीक है। 20 लिया, 20 शेष बचेगा, यानी कि ज़ीरो अगर आप बढ़ा लेते हैं यहाँ पर 2× जाएगा, कितने टाइम जाएगा 2× तो 160 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आया आपका 40 और 40 यहाँ पर अगर देंगे हम तो कितनी बार जाएगा 5 बार, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 40। यानी कि आप देख पाएंगे कि ये पूरा इसको फिनिश कर रहा है, यानी ये डेसिमल जो है इस पूरे रेशनल नंबर की वैल्यू है। जो मैंने बताया था आपको, टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जो पॉइंट के बाद एक प्रॉपर वैल्यू ले लेते हैं, जैसे ये, ठीक है। तो ये कैसा डेसिमल रहेगा? टर्मिनेटिंग कैसा रहेगा बेटा? टर्मिनेटिंग डेसिमल रहेगा। अगर हम देखें नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं कि 2 के बाद 2 2 2 2 2, यानी कि स्टॉप नहीं हो रहा हो। दूसरा, उनके पास कोई एक प्रॉपर वैल्यू इस तरीके की हो कि जो स्टॉप ही ना हो। तो ये दो तरीके के जो है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग ये रिपीटेड होते हैं, ये नॉन रिपीटेड होते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप बताए थे मैंने, एक तो टर्मिनेटिंग और दूसरा, सॉरी देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप बताए थे, एक तो रिपीटेड एंड सेकेंड बताया था आपको नॉन रिपीटेड। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो ये जो आपका पहला वाला जो क्वेश्चन है, ये आपका है टर्मिनेटिंग। कैसा है? टर्मिनेटिंग, ओके, टर्मिनेटिंग है भाई, ठीक। अब हम देख लेते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन को, यानी कि 7/24 को देख लेते हैं और बाकी दो क्वेश्चन आपको खुद करने होंगे। नोट कर लीजिएगा, उन्हें आप खुद सॉल्व करिएगा, कोई डाउट हो तो मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम, 7/ आपका 24 है, आपको करना है यहाँ पर ये है कि 24 का डिवाइड देना है 7 में। आपने क्या किया यहाँ पर? पॉइंट लगाया, ज़ीरो बढ़ा लिया। क्या लिया? ज़ीरो बढ़ा लिया। देखें यहाँ पर आप 2× इसमें दे सकते हैं डिवाइड, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 48। यहाँ से आपने 2 कैरी लिया तो यहाँ पर, सॉरी यहाँ से 1 कैरी लिया, 10 हो गया, 10 2 बचेगा यहाँ पर, 6 होगा यहाँ पर भी 2 बचेगा। इसका डिवाइड इसमें नहीं जा सकता, इस वजह से यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। जब हम 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 9× आप दे सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा 36 और 8 और 3 यानी कि 21, ये आएगा, क्लियर। फिर यहाँ से अगेन आप देखेंगे कि आपको 4 बचेगा, 0 आप बढ़ा सकते हैं, क्लियर। क्या बचेगा? 4 और 0 बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? 1× देंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये, यहाँ से आपने 1 कैरी लिया तो 6 यहाँ पर बचेगा, यहाँ बचेगा 1 यानी 16 हो गया। अब आप क्या करेंगे? फिर से 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर इसका फिर से डिवाइड देंगे, 5× देके देखते हैं आप, 24 × 5 करेंगे, यानी 120 हो रहा है, ठीक है। और अगर आप 6× करते हैं तो 6× देखिए करके, ₹144 हो रहा है। तो यहाँ 6× देंगे क्या आएगा? ₹144 आएगा। देखिए, ₹144 आएगा तो आपका यहाँ पर क्या रिमाइंडर बचेगा? यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा आपका 16। क्या बचेगा?
16, और अगेन आपने क्या लिया यहाँ पर, ज़ीरो बढ़ा लिया, क्या लिया ज़ीरो। तो ज़ीरो जब आप बढ़ाएंगे तो फिर अगेन देंगे आप, अगेन आपने कितने टाइम दिया, सिक्स टाइम, कितने टाइम सिक्स टाइम, तो आपको क्या मिला 144। ठीक है, सेवन टाइम अगर आप देते हैं आता, सेवन टाइम देते तो 168 आता, यहाँ पर आपने इसलिए से सिक्स टाइम देना है, तो फिर यहाँ पर 16 बचेगा। तो ये तो कुछ इस तरीके से ही चलता जाएगा, यानी 6666666 ऐसे ही चलता जाएगा, यानी कि ये स्टॉप नहीं होगा। तो ये कैसा डेसिमल है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटेड है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेड है। तो इस तरीके से आप इन वैल्यूओं को आप बता सकते हैं। ओके, और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, दो मैंने करा दिए हैं, बाकी सेल्फ आपको खुद करने हैं। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट प्रेस करिएगा, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास, देखिए, कन्वर्ट द इज फॉलोइंग, देखिए इज द रेशनल नंबर ऑफ, इनको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, देखिए, कन्वर्ट इज ऑफ द फॉलोइंग इन टू अ डेसिमल, यानी कि इन्हें आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सिंपल है, जैसे अगेन अभी हम कर रहे थे, अभी भी हम डेसिमल में इन्हें कन्वर्ट कर देते इन लैंग्वेज को, तो आप भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखें, पहला क्वेश्चन है आपके पास 5/8, तो सिंपल इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 8 का डिवाइड हमें देना है 5 में, क्या 8 का डिवाइड देना है हमें 5 में, तो जब हम 8 का डिवाइड 5 में देंगे तो वन टाइम यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 लिखेंगे, 1 लिखिए या यहाँ पर 0 बढ़ा लीजिए, पहले पॉइंट लगाएंगे या 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाने पर जब 0 बढ़ा देंगे तो 6 टाइम जाएगा, क्या जाएगा 8 6 48। ओके, 2 बचेगा यहाँ पर, 2 बचने पर आप यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, 2 टाइम देंगे तो यहाँ 16 बचेगा, 4 आएगा और यहाँ पर आएगा 40, क्लियर, तो ये कैंसिल आउट। तो ये आपका डेसिमल में जो डेसिमल की जो वैल्यू आई, जो डेसिमल आया आपका, वो क्या है 0.625, यानी कि ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, सेकंड वाले को, क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 9/16, तो 16 का डिवाइड देना है आपको 9 में, क्या देना है 16 का डिवाइड देना है, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, देखिए 0 लगा लिया, ठीक है, अब हम देखेंगे 5 टाइम जाएगा, क्या जाएगा 5 टाइम, 80 आएगा, 10 बचेगा, क्या बचेगा 10, अगेन मैं यहाँ 0 प्रेस करूँगा, सॉरी अगेन मैं यहाँ पर 0 बढ़ा लूँगा, तो इसका अब यहाँ पर फिर से अब आप डिवाइड दीजिए, तो यहाँ पर 6 टाइम जाएगा, कितना 6 टाइम, क्या बचेगा 4, 0 बढ़ा लेंगे, फिर यहाँ पर देंगे 2 टाइम जाएगा, कितना टाइम 2 टाइम, और 8 बचेगा, क्या बचेगा 8, अगेन आप 0 बढ़ाएंगे तो आपका फिर से यहाँ 5 टाइम जाएगा, यानी कि आपका जो डेसिमल आया इस वाले क्वेश्चन का, डेसिमल जो आएगा वो रहेगा आपका, देखिए डेसिमल जो आएगा वो रहेगा आपका यहाँ पर 0.5625, यानी कि ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होंगे, आप इन क्वेश्चनों को करिएगा। ठीक है, दो दो क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, दोनों क्वेश्चन हो गए, बाकी आपको खुद करने हैं। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उनका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो आपको डेसिमल दे रखे हैं उन्हें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्या जो आपको डेसिमल दे रखे हैं उन्हें आपको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए भाई, ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपको बहुत ईजी तरीके से क्लियर हो जाएगा। पहला मैं लेता हूँ आपको, देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने, पहला क्वेश्चन जो है वो है 0.3 बार, 0.3 बार, इस बार का मीन्स ये होता है, आप इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 0.33333 कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपली जब आपको इसे सॉल्व करना है तो लेट आप इसे किसी वेरिएबल के इक्वल मान लीजिए, यानी कि मैंने इसे एक्स के इक्वल मान लिया और कुछ इस तरीके से लिख लिया। यहाँ पर देखिए, जीरो से एक नंबर को इधर लेना है, क्योंकि वन के ऊपर मैं एक डिजिट के ऊपर आपका बार लगा था, तो मैं क्या करूँगा, इधर लेना है, इधर लेने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बोथ साइड,
तो जब इसे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3.3333, कुछ इस तरीके से चलता जाएगा। ओके, ये पार्ट तो हमने एक्स मान रखा था ना पहले से ही, देखिए ये वाला पार्ट तो हम एक्स मान के चले थे, तो इस वाली बात को कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है 3 प्लस एक्स। ओके, जब 3 प्लस एक्स लिखाए गए यहाँ पर तो 10x - x इज इक्वल टू 3। ओके, यहाँ पर बचेगा 9x और यहाँ पर हो गया 3। एक्स इज इक्वल टू अगर वैल्यू निकालेंगे तो 3/9, एक ये इसका आंसर हुआ 3/9। दूसरा मैं ये भी कह सकता हूँ इसे डायरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए कि जब भी कोई नंबर रिपीट हो रहा हो आपको करना ये है कि उस नंबर के बार को हटाना है और उस नंबर के नीचे 9 का प्रयोग कर देना है। अगर दो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो 9 9 2 आ जाएंगे। अगर आपके पास 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार तो आप क्या करेंगे उनके नीचे 3 3 लगा देंगे। ओके, जैसे अगले क्वेश्चन का आंसर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिए, डायरेक्ट 1 सेकंड में आपका आंसर लिख सकता हूँ और सॉल्व भी उसे करना बता दूंगा किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन है ये 1.3 के ऊपर बार जो है लगा हुआ है, तो मैं इसे कैसे कर सकता हूँ, देखिए 1 तो होगा ही होगा प्लस 3/9 हो गया आंसर, इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 12/9, ये आपका आंसर रहेगा। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपने कहा ये कैसे कर दिया, देखिए इस 1 को तो आप सेपरेट रखिए, 1 को तो अलग कर लीजिए और बाकी ये जो है इसकी वैल्यू हो गई, क्या इसकी वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अगेन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप देखेंगे आपके पास जो वैल्यू है वो है 0.34 के ऊपर बार, यानी 2 डिजिट है इनके ऊपर जो बार है, तो हमें करना ये है कि बार ब्रैकेट को हटाना है, 3 4 और 99 रख देना है, यानी कि ये आंसर हो गया। तो आप इस तरीके से इन आंसर को निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है ये निकालने का, ठीक है। अगर ये किसी को दिख नहीं रहा है तो भाई यहाँ 34/99 है, 34/99 है, ठीक है ठीक। इसको करने का तरीका ये है, सेम यहाँ पर मैंने 10 का मल्टीप्लाई किया था, आपको 100 का करना है। तो 100 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ये यहाँ पर 100 हो जाएगा और यहाँ पर क्या है कि यहाँ 34 हो जाएगा, क्या 34 आ जाएगा, 34 आ जाएगा। तो आपको यहाँ से करना ये है कि जो x आपने माना था उसे यहाँ लेंगे तो 99 बचेगा और 34 के अपॉन में चला जाएगा, इस तरीके से होगा, सेम इसी तरीके से होगा। बस ये ध्यान रखना है कि अगर 2 डिजिट का है तो 100 से मल्टीप्लाई होना है, 3 डिजिट का है तो 1000 से मल्टीप्लाई होना है, ठीक है, और 1 डिजिट का है तो 10 से मल्टीप्लाई होना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ओके, जैसे अभी आप देखेंगे एक क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको कराने जा रहा हूँ, फोर्थ आप क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, इसका फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास 0.324, यानी कि इसके ऊपर बार लगा हुआ है। पहले तो इसका मीन्स समझ लीजिए, इस क्वेश्चन का मीन्स ये है कि ये वाली डिजिट जो है बार बार रिपीट हो रही हैं, 3 2 4 3 2 4 3 2 4, क्या 3 2 4 और डॉट 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 इस तरीके से चलता जा रहा है। आपको यहाँ पर करना यह है, लेट इसे इक्वल कर देना है किसके, जी एक्स के इक्वल मान लेना है। जब आप इसे एक्स के इक्वल मान लेंगे तो 3 2 4 के ऊपर बार इस तरीके से रहेगा, यानी कि जो नंबर आ रहे थे मैंने इसे एक जगह लिख लिया है, आप चाहें तो इसे बार बार भी लिख सकते हैं। 3 डिजिट यहाँ पर हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा, 3 2 4 आगे हो जाएगा, पॉइंट लगेगा और यहाँ पर फिर से 3 2 4 बार हो जाएगा। ओके, ये आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर 1000 था और ये वाली डिजिट को हमने x माना था, 3 2 4 प्लस एक्स हो जाएगा, इसे जब मैं इधर लूँगा तो 1000x - x इज इक्वल टू 3 2 4, यहाँ से आपको 999x मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा 3 2 4, x की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो 3 2 4/99 मिलेगा। ओके, तो ये होगा आपका आंसर, क्या होगा, ये होगा आपका आंसर। तो इस तरीके से आप सेकेंड क्वेश्चन को थर्ड क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3 सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, इनके जो है सिंपल फॉर्म के बीच में जो है 5 रेशनल नंबर को फाइंड आउट करना है। तो देखिए जब भी रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए बात आती है तो मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला था
डी इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन एन प्लस वन, यानी कि ये आपको याद करने के लिए मैंने कहा था कि रेशियो नंबर बताने हैं, डी आप निकाल पाएँ तो फिर उसके बाद एक्स प्लस डी और एक्स प्लस टू डी और एक्स प्लस थ्री डी, यानी कि इसमें वैल्यू को रखते जाना और आपको रेशियो नंबर मिलते जाएंगे, ये मैंने बताया था कल आपको, ठीक है। तो ये रेशियो नंबर फाइंड आउट करने की एक प्रोसेस मैंने बताई थी। तो सिंपल अभी आपको करना ये है कि जो आपको गिविन वैल्यू है, यानी कि गिविन वैल्यू है कौन कौन सी, 3 अपॉन 5 एंड 2 अपॉन 3, इनमें देख लेना है कि बड़ी डिजिट कौन सी है। देखिए जब मैं इसका डिवाइड इसमें दूंगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि 6 टाइम जाएगा, यानी 0.6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा और ये फिनिश हो जाएगा। बट जब मैं इसका डिवाइड इसमें दूंगा, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, देखिए 3, तो यहाँ पर आएगा 6 आएगा, 3 का दिया 2 में, तो देखें यहाँ पर 6 आएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 0.6 यानी कि 18 हो जाएगा, 2 बचेगा तो यहाँ पर 6666 ऐसे आता जाएगा, ओके ये यहीं पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 7, क्या मिलेगी 7, कुछ इस तरीके से वैल्यू मिलेगी, यानी कि आपको इससे बड़ा ही नंबर मिलने वाला है। तो बड़ी वैल्यू कौन सी रहेगी आपके पास, बड़ी वैल्यू रहेगी ये, तो आप इसे कहेंगे y और इसे कहेंगे x, क्या कहेंगे, इसे कहेंगे y और इसे कहेंगे x। सिंपल आपको करना ये है, इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट कर देना है, d इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 5 और n जो है 5 है तो प्लस 1। जब मैंने इसका एलसीएम लूंगा यहाँ पर तो आपको मिलेगा क्या, देखिए इसके अपॉन में 1 लगा सकते हैं, यहाँ पर मिलेगा 15, यहाँ गया 5 टाइम और 5 का मल्टीप्लाई ऊपर किया तो 10, ठीक है, यहाँ पर किया आपने 3 टाइम तो 3 का मल्टीप्लाई किया या 9, यहाँ पर आपको मिलेगा 6 और यहाँ पर मिलेगा 1, ओके ऊपर आपको मिला 1 अपॉन 15 अपॉन 6, ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 1 अपॉन 90 आपका ये डी आया, क्या आया डी आ गया आपका 1 अपॉन 90, ये वाला डी। अब करना ये है कि इसके साथ आपको कैलकुलेट करता जाना है और आपको रेशियो नंबर मिलते जाएंगे। जैसे x प्लस डी आपने देखा, x प्लस डी तो x की वैल्यू हमारे पास है 3 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 90, एलसीएम जब लेंगे तो आपको 90 ही आने वाला है, जब आपने 90 एलसीएम आएगा यहाँ पर देंगे तो देखिए कितने टाइम जाएगा यहाँ पर, बताएं मुझे यहाँ पर इसका डिवाइड कितने टाइम जाएगा, 1 एंड आपका यहाँ पर वन टाइम जाएगा, 4 आएगा कैरी और 8 आएगा, 18 टाइम जाएगा, कितना 18 टाइम, 18 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो आपको मिलेगा 54, कितना मिलेगा 54 और यहाँ पर मिलेगा 1 तो आपको मिला 55 अपॉन 90, क्या मिला 55 अपॉन 90, और आप इसे इक्वल डिजिट से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इक्वल डिजिट यानी कि 5 से आप करिए तो 5 11 टाइम आपका हो जाएगा और यहाँ आएगा आपका 5 1 5 यानी कि 18, ओके इस तरीके से आप इन्हें क्रॉस कर सकते हैं, ठीक। अगेन नेक्स्ट नंबर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको नेक्स्ट नंबर देखना है एक्स प्लस टू डी, क्या देखना है एक्स प्लस टू डी, तो एक्स आपके पास है 3 अपॉन 5, ओके और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 अपॉन 90, जब यहाँ पर हो जाएगा 2 अपॉन 90 तो यहाँ पर आपको एलसीएम मिलेगा क्या 90, जब यहाँ पर आपको 19 मिला, क्या मिला 19, तो यहाँ 18 आएगा यानी कि 54 आएगा, प्लस जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ 2 मिलेगा यानी कि आपको 56 मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है 56 अपॉन 90 मिलने वाला है, 56 अपॉन 90 मिलेगा, तो आप इसे क्रॉस कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से, जैसे 2 8 और यहाँ 5 4, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये सेकंड नंबर रहेगा आपका, इस तरीके से आप अलग अलग नंबरों को निकाल सकते हैं इस आइडेंटिफिकेशन में रख कर, ओके तो आप सेल्फ करिएगा, बाकी 3 नंबरों को आप खुद निकालिएगा, नहीं आते हैं तब मुझे बताइएगा, फिर नेक्स्ट देख लेंगे जो भी है, ठीक है। अभी हम चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5th, देख लेते हैं कैसा है, ओके क्वेश्चन नंबर 5th क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th है आपका सिंप्लीफाई, यानी कि आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और सिंप्लीफाई करना है। देखें सिंप्लीफाई में कहा है इफ x इज इक्वल टू, आपको दिया गया है 3 प्लस रूट 8,
क्या दिया है, 3 प्लस रूट 8 दिया गया है और वैल्यू बतानी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। देख लेते हैं, तो जो दिया गया है वो है एक्स प्लस 3 प्लस रूट में 8, ओके। और वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की, यानी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल आपको करना ये है कि इस एक्स स्क्वायर की आपको वैल्यू आनी चाहिए कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है। देख लेते हैं, जब मैंने किया है दोनों साइड इसका होल स्क्वायर, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर मिल जाएगा 3 प्लस रूट 8 एक्स का होल स्क्वायर, ओके। जब ये वाली कंडीशन हुई तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, 9 प्लस 8 प्लस 2 इंटू 3 इंटू रूट 8, ओके। तो ये वैल्यू मिली, ये वाली वैल्यू हुई 17 प्लस 6 रूट 8, क्या मिला 6 रूट 8, ये मिल जाएगी वैल्यू हमें। जब ये आपको वैल्यू मिल गई, ये वाली आपको वैल्यू मिली, अब आपको करना यह है कि इन वैल्यूओं को इसमें रख देना। जब आप इन वैल्यूओं को इसमें रखेंगे तो आपको देखिए क्या यहाँ पर मिलेगा, 70 प्लस 6 रूट 8, ओके, प्लस 1 अपॉन 17 प्लस 6 रूट 8, ये वाला नंबर मिलेगा। आपने इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो ये मिलेगा 17 प्लस 6 रूट 8 का होल स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन 17 प्लस 6 रूट 8, ये आपको मिल जाएगा, ओके। अब आपने क्या किया, इसका होल स्क्वायर खोल दिया। जब आपने इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड किया, आप जब इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो आपको वैल्यू जो मिलेगी वो रहेगी 17 का स्क्वायर प्लस 6 रूट 8 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 17 इंटू 6 रूट 8 प्लस 1 अपॉन 17 प्लस 6 रूट 8, ओके। अब आपको इन्हें सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा, ओके। कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली किसी भी कंडीशन पे। अगर आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन ना आए तो इसका सेकंड मेथड भी है। देखिए, ये तो यहाँ पर कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा, ओके। अगर आपको इस तरीके से नहीं आए तो आपको करना ये है, देखिए करना क्या है, दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ। ये आपको एक्स की वैल्यू दी गई है, किसकी वैल्यू दी गई है, एक्स की वैल्यू दी गई है। आपने क्या किया, इस एक्स को 1/x कर लिया, क्या कर लिया, इसे कुछ इस तरीके से लिख लिया है यहाँ पर। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसे यहाँ पर लिखता हूँ एक्स, ठीक है, और ये लिखा रूट 8 प्लस 1/3 प्लस रूट 8, ओके। कुछ इस तरीके से मैंने इसे लिख लिया है, क्या कर लिया है, लिख लिया है। अब आप देख पाएंगे कि इसका मल्टीप्लाई जब मैं इसके साथ करूँगा तो यहाँ मिलेगा मुझे 9, सॉरी इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस रूट 8 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस रूट 8, ओके, ये वाली बात हो जाएगी। जब आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी तो आप यहाँ पर कर ये सकते हैं कि इसका होल स्क्वायर 9 प्लस 8 प्लस 2ab, तो यहाँ 6 रूट 8 और प्लस 1 कर सकते हैं अपॉन में 3 प्लस रूट 8 कर सकते हैं, 3 प्लस रूट 8 कर सकते हैं, ओके। अगेन आपको करना ये है, यहाँ पर देखें 10 हो गया, 10 और 18 हो गया, 18 प्लस 6 रूट 8 अपॉन में यहाँ पर आया 3 प्लस रूट 8, क्या आया 3 प्लस रूट 8। देखिए यहाँ पर 3 लाना है तो यहाँ से आप 16 को कॉमन ले लीजिए, 3 को 6 को कॉमन ले लीजिए। तो आपने क्या करेंगे, यहाँ से 6 कॉमन लेंगे, 6 कॉमन लेने पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3 प्लस रूट 8 अपॉन में 3 प्लस रूट 8, और ये पूरी वैल्यू कैंसिल आउट होगी, यानी कि 6 आपको मिलेगा। किसकी वैल्यू मिलेगी, इसकी वैल्यू 6 मिलेगी, क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू आपको, इस वाले पार्ट की वैल्यू 6 मिलेगी। जब इस वाले पार्ट की वैल्यू 6 मिलेगी तो इसका होल स्क्वायर आप कर लीजिए, एक्स प्लस 1/x की वैल्यू आपको क्या मिली थी 6, और जब स्क्वायर किया दोनों साइड में तो आपको आंसर मिल जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू मिल जाएगी 2 इंटू 1/x, और यहाँ पर x, x से x कैंसिल आउट होगा और ये हो जाएगा 36, यानी कि आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 34, क्या मिलेगा, 34 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो 34 हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन, और इस वाले पार्ट को आप सेल्फ करिएगा, इसका भी आंसर 34 ही आएगा, ओके। तो दो पार्ट से आप इसे कर सकते हैं, दो पार्ट से कैसे कर सकते हैं, एक पार्ट तो ये है कि आप इसमें पहले x की वैल्यू आपके पास है, x की वैल्यू जब आपके पास है तो आपको करना ये है
कि x को 1 अपॉन x करके इसे रख लेना है और यहाँ से इसे एलसीएम लेके इस पार्ट को सॉल्व करना है। जब एलसीएम लेके इस पार्ट को ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पर वो 6 मिलेगी। किसकी? इस वाले पार्ट की जो वैल्यू मिलेगी वो 6 मिलेगी। इस पार्ट की वैल्यू जब 6 मिल जाएगी तो बोथ साइड आप यहाँ पर देखिए मैंने क्या हुआ है, बोथ साइड आप स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने पर आपको ये आइडेंटिटी एक्सपेंड करनी है। एक्सपेंड करने के बाद 2 को आप उधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि आपका 34 आंसर हो जाएगा। यानी कि ये क्वेश्चन अभी आपका हो चुका है और इसका आंसर आ जाए 34। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई भी करना है। क्या करना है? क्वेश्चन को सिंप्लीफाई भी करना है और यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू भी हमें बतानी है। ठीक है, यह है आपकी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अब हम कल जो चलेंगे वो चलेंगे सेकंड चैप्टर की ओर। ठीक है, इस क्लास में फर्स्ट चैप्टर में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं थे, यही क्वेश्चन है, इन्हीं को घुमा फिरा के दिया गया है। आप रिविजन के लिए आप आरडी शर्मा के अन्य क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, जो डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करिएगा, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखें सिंप्लीफिकेशन में आपका सेकंड टाइप क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है 4 + √5 4 - √5। सिंप्लीफाई करना है और आपको a + √5 की वैल्यू बता देनी, यानी a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको यहाँ पर मैंने बताया था जब दो डिजिट डाउन में आते हैं तो आपके कॉन्जुएट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर मैं करने वाला हूँ इनके कॉन्जुएट से मल्टीप्लाई। जब इनके कॉन्जुएट से मल्टीप्लाई मैं करूँगा तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो रहेगी, यहाँ पर माइनस है भाई, ये रहेगी। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। आपको करना ही है ऊपर वाली वैल्यू को होल स्क्वायर में रख देना है और डाउन वाली जो वैल्यू है उसे 4 - √5 रख देना है। आप जब इसे एक्सपेंड करेंगे तो आप इसे लिखेंगे 4 + √5 2, ये 5 है भाई, ओके। और यहाँ पर आपको मिलेगा 16 और यहाँ पर मिलेगा आपको 15। क्या मिलेगा? 15। जब आपने उससे वैल्यू को एक्सपेंड किया या उस वैल्यू को एक्सपेंड किया तो नीचे आपको डाउन में मिलेगा 1। क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। देख लेते हैं एक बार, ये 16 होगा, यहाँ पर देखिए माइनस है और यहाँ पर आपका आएगा 9 आएगा, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 5, ये आपका 5 आएगा, ओके 45 आएगा, माइनस का 45 आएगा भाई, माइनस का 45। अब आपको करना यह है ऊपर वाली डिजिट को होल स्क्वायर जो है खोल देना है। देखिए ए का स्क्वायर आपको ये मिलेगा प्लस बी का स्क्वायर आपको ये मिलेगा, ओके प्लस 2 * a * b आपको ये मिल जाएगा। और डाउन में जो वैल्यू मिलेगी वो रहेगी आपकी, देखिए यहाँ से माइनस करेंगे आप तो देखिए 6, यहाँ 15 से आपने माइनस किया, क्या 45 से आप माइनस कर लीजिए, 45 6, यानी कि आपका यहाँ पर मिला 59 और 8 2, यानी 29 आपको मिलेगा माइनस का। क्या मिलेगा? 29 आपको यहाँ पर मिलेगा माइनस का, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 29। ठीक है, अगेन आप देख पाएंगे कि ऊपर की वैल्यू को जब मैं एक्सपेंड करूँगा तो यहाँ 16 मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा क्या 45, यहाँ पर आपको मिलेगा 45 और यहाँ पर मिल जाएगा 8 और 8 का 24 √5, ये वैल्यू हुई आपकी 29 माइनस का। जब आपने इसे एक्सपेंड किया और देखें तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो यह आपका आएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो गया 6 + 24 √5 / 29 - का। देखिए माइनस की डिजिट दोनों के साथ आ सकती है तो आपका ये पहला वाला तो हुआ माइनस का 16 / 29 और यहाँ पर हो गया दूसरा माइनस का 24 / 29 √5। यानी कि ये वाली वैल्यू तो आपकी ए हो गई, क्या हो गई? ए। एंड ये वाली वैल्यू हो गई आपकी बी। तो यही आपको क्वेश्चन में बताना था, यानी कि ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। क्या? ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। यहीं पर आपको क्वेश्चंस को क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं जो हमने जो है लिए थे अपनी बुक से। ठीक है, अदर क्वेश्चंस आप अपनी बुक के लगा सकते हैं, अपनी जो है NCERT RD शर्मा SCENT इनसे अपने क्वेश्चंस लगाइए। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल है मैथ्स लॉजिया और YouTube चैनल भी है जहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगी, आप वहाँ पर इन्हें फॉलो कर लीजिएगा।
यहाँ से आपको पूरी हेल्प की जाएगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप क्वायरी भेज सकते हैं 7500410322, इस पर भी भेज सकते हैं। आपको स्लाइड में चलता हुआ भी दिख रहा होगा नीचे, इस पर भी आप मुझे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं क्वेश्चनों को, वहाँ पर भी आपको जवाब मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।